हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल्स। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग ऑन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन J&K। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमारा यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उत्तरबैनी, तो इसमें हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है जहाँ पे, वो हम देखेंगे इसमें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अंदर क्या क्या है इसमें। आप देख सकते हो कहाँ पर है, जो उत्तरबैनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और किन के अंदर आता है, जो सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो चलिए हम अंदर चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे मेन टेंपल है, जहाँ पे ये इसका निर्माण आप देख सकते हो, जो डेवलपमेंट हुई थी वो गुलाब सिंह महाराजा ने की थी। तो 200 साल ये लगभग पुराना यहाँ पे टेंपल है। मेन इसके आगे यहाँ पे आपको बहुत सारे मेन मेन छोटे छोटे टेंपल्स दिखेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे माता के अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग अवतार हैं जिनके, उनके सभी के यहाँ पे टेम्पल्स हैं। ठीक है, ये एक राधा कृष्ण का टेम्पल है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, और जहाँ पे एक बैल है 200 साल पुराना, ये भी बैल है। जहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जहाँ पे अलग अलग, और जो यहाँ पे रूम है वो देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रूम है यहाँ पे, उस समय के जो यहाँ पे जो बनाए हुए रूम, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एरिया। ये यहाँ का मेन मंदिर, तो इसमें हम देखते हैं अब अंदर जाके। जी है यहाँ पे मेन मंदिर, मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी का। तो ये लगभग 200 साल पुराना यहाँ पे, ठीक है, ये मेन मंदिर है यहाँ का, देख सकते हो आप। एक जहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको जहाँ पे दिख रहे होंगे, जहाँ पे जितने भी जहाँ पे कॉलम है, जहाँ पिलर, उनके साथ जहाँ पे लिखा हुआ है साथ साथ, ठीक है, ये बनाए हुए यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, जहाँ पे जितने भी तीर्थ स्थान है उन सभी का ये क्या, जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जो जो भी जहाँ पे तीर्थ स्थान है उन सभी का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक ड्रम जहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हो आप कितना पुराना, यहाँ पे अभी तक जो चलता है। ये हम आए जहाँ पे सेकंड जहाँ पे टेम्पल है यहाँ पे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे मंदिर है, किस किस का मंदिर है यहाँ पे। बच्चों के खेलने के लिए भी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पार्क भी मेंटेन्ड हुई है जहाँ पे। तो ये हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है, ये हमारे कौन करता है, जहाँ पे मानसून सुरिंसर डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है सारा का सारा यहाँ पे। तो आगे हम अंदर चल के देखते हैं, जहाँ पे नीचे से रास्ता बनाया हुआ है, जहाँ पे आप शूज़ वगैरह खोल के नीचे से जाके आप मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। तो दो रास्ते हैं जहाँ पे हमारे पास, दोनों में से कोई भी जा सकते हो आप। तो जहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, हमारा सीधा मेन आ जाता है मंदिर। ये है यहाँ पे शिव जी भगवान जी का मंदिर, जो मेरे पीछे अभी मंदिर है, ये है शिव जी भगवान जी का मंदिर। ये भी काफ़ी साल पुराना है यहाँ पे, लगभग 150-200 साल पुराना है ये भी मंदिर। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं हम जहाँ पे।
ये है जहाँ पे मेन मंदिर जहाँ पे शिव जी का, और ऊपर जहाँ पे डोम देख सकते हो आप कितना बड़ा है, यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे है इसका डोम, कितनी जो इसकी सिमेट्री है बिल्कुल मेंटेन हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो कि पानी कैसे आ रहा है जहाँ से ऊपर से, तो शिवलिंग का जो साइज है वो भी यहाँ पे काफी बड़ा है यहाँ पे। जी जहाँ पे एक बहुत बड़ी जहाँ पे मूर्ति, जहाँ पे बाहर आप देख सकते हो, बैल का साइज देख सकते हो कितना बड़ा है यहाँ पे जो लगाई हुई है यहाँ पे, अभी तो काफी यहाँ पे थोड़ी बहुत टूट भी गई है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी एक मेन बैल है जहाँ से जो पानी है जहाँ पे दिया जाता है अंदर, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ऑन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ J&K। आई होप आपको कुछ ना कुछ जहाँ से इम्पॉर्टेंट कुछ देखने को मिला होगा, तो आप अगर विजिट करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिए यहाँ पे लॉकडाउन के बाद। ओके एंड थैंक यू।